अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक। और मैं हूँ इकरा मलिक। और आज उस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो है स्किन पॉलिश के बारे में। और मैंने काफ़ी टाइम से अपने स्किन पर कोई भी स्किन पॉलिश या फिर ब्लीच क्रीम जो है वो नहीं यूज़ की है, और काफ़ी टाइम से उसको बंद कर दिया हुआ है। लेकिन एक ब्लीच क्रीम है जो कि मेरी अम्मी इस्तेमाल करती थी, और उसको उसके रिजल्ट्स देखने के बाद मैंने उसको हाथों पैरों पर इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसके रिजल्ट्स अमेजिंग है। ये एक लोकल सी उषा स्किन पॉलिश है, और ये कुछ इस तरह की इसकी आउटर पैकेजिंग है, और ये इनर पैकेजिंग है, और ये इसका क्रीम है, और इसमें ये पाउडर है, और इसके साथ एक ही शाइनर आता है। और यहाँ पे इसका जो तरीका इस्तेमाल है, इसके पीछे मेंशन किया हुआ है कि आपने 15 मिनट इसको लगा कर रखना है और एंड ऑल। सो फेस पर तो जो यूज़ करते हैं, मेरी अम्मी इस्तेमाल करती हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लाइक अगर आप किसी सैलून से अगर स्किन पॉलिश करवाते हैं, तो जैसे उसके रिजल्ट्स आते हैं, ऑलमोस्ट वैसे विजिबल डिफरेंस आता है, क्योंकि आपकी स्किन पे जो बाल होते हैं वो थोड़े से गोल्डन हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो आपका मैल वगैरह होता है वो उतर जाता है, तो स्किन थोड़ी सी शाइनर इसमें ऑलरेडी होता है, तो कुछ टाइम के लिए वो स्किन थोड़ी सी शाइन करने लग जाती है। लेकिन जब मैं इसको हाथों पैरों पर इस्तेमाल करती हूँ, तो भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। सो मैंने आज ये सोचा है कि स्किन पॉलिश को हम यूज़ करेंगे ग्लोपाटॉन के साथ, क्योंकि मैंने ग्लोपाटॉन के साथ इसको ट्राई नहीं किया, तो मैं देखती हूँ कि इसके रिजल्ट्स मुझे ऑलरेडी पता है कि ये एक अच्छी क्रीम ब्लीच है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं और अपनी स्किन पर, इवन स्किन पर भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर ब्लीच करते हैं या फिर आप बाज़ार से करवाते हैं, तो आप ये उषा क्रीम जो है ये मेरे कहने पर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस है 70 रुपीज़ में आती है ये, लेकिन इसके अमेजिंग रिजल्ट्स। वैसे तो इसके ऑलरेडी इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन मैंने ग्लोपाटॉन को किसी भी क्रीम ब्लीच वगैरह के साथ मिक्स करके यूज़ नहीं किया, सिर्फ क्रीम के साथ एक बार यूज़ किया था, वो भी फेस पर नहीं करती हूँ मैं, ऐसे रिस्क नहीं लेती हूँ। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं ग्लोपाटॉन के साथ। सो मैंने इसमें डेवलपर ऐड कर दिया है, और ये इसका शाइनर है। और ये इसका पाउडर। तो ये मैंने हाथों पैरों पर इस्तेमाल करना है, तो मैं इसमें फुल क्वांटिटी इसमें मिक्स करूँगी। लाइक अगर मैंने इसको फेस पर यूज़ करना हो किसी ने, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसको पूरा जो है वो ना यूज़ किया करें, हाफ़ रख लिया या हाफ से थोड़ी सी कम क्वांटिटी जो है वो आपने रखी। सो लेट मिक्स इट। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ग्लोपाटॉन। लेट ट्राई इट। आई थिंक बहुत है, एक स्पून हो ही गया होगा, टेबल स्पून। सो अगेन मिक्स इट। मैं कोई ब्रश वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको हाथ पे लगा कर देखते हैं। ग्लोपाटॉन मिक्स किया है, और थोड़ी सी ब्लीच जो है वो मैंने मिक्स की है, और अब इसके रिजल्ट देखते हैं। इसको आपने 15 मिनट तक लगा कर रखना है, मैं सिर्फ एक हाथ पर लगा रही हूँ और दूसरे हाथ पर नहीं लगा रही हूँ। सो मैंने वॉश कर लिया है, और ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये डल है और ये नीट हो गया। और सेकेंड डिफरेंस जो इस एरिया में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैक्सिंग नहीं हुई है, तो जो बाल हैं वो थोड़े से ब्लैक थे तो गोल्डन हो गए, तो ये जो कलर का डिफरेंस इसलिए ज़्यादा विजिबल लग रहा है आपको, ये कुछ इस तरह से कि ये थोड़ा सा हाथ मुझे थोड़ा सा डल लग रहा है, और ये थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है, और ये इस तरह से। तो ओवरऑल ग्लोपाटॉन का इसमें ऐसे कोई रिजल्ट है या नहीं है, लेकिन जो ब्लीच मेरी रिकमेंडेड है वो दी बेस्ट है। इसका आप लाजमी अगर अपने फेस पर भी यूज़ करना चाहते हैं, इसको यूज़ करके देखें। इसके बाद आप कोई भी मास्क वगैरह जो है वो फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन लिटरली स्मूथ और आपको अच्छी खासी नीटनेस आपके फेस में महसूस होगी बिफोर और आफ्टर अगर आप देखेंगे इसको। तो ये सिर्फ 70 रुपीज़ में है, 70 रुपीज़ में आपकी अगर स्किन पॉलिश हो रही है तो ये दी बेस्ट काम है। सो मैं एक दफ़ा और आपको दिखा दूँ, इस हाथ पे मैंने नहीं अप्लाई किया था, इस हाथ पे अप्लाई किया था मैंने, और ये बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन है,
और मैंने सिर्फ 10 मिनट्स अप्लाई किया है, ज़्यादा देर नहीं मैंने लगा कर रखा। आप इसको 15 to 20 मिनट्स भी जो हैं हाथों पैरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेस के लिए आप इसको सिर्फ 15 मिनट ही यूज़ करें। और सेकेंडली ये कि जो आपका ये वाला एरिया और जो ये नोज़ वाला एरिया होता है थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर हमेशा आप कोई भी स्किन पॉलिश करने लगे हैं जिसमें थोड़ा सा जो डिवेलपर है वो ज़्यादा जो उसका डेवलपर है वो थोड़ा सा तेज़ होता है, तो वो यहाँ पे रेडनेस हो जाती है, और रेडनेस के बाद ये एरिया ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सूथिंग लोशन या फिर एलोवेरा जेल कुछ भी है तो वो यहाँ पे मस्ट लगाएं और फिर अपने फेस पर अप्लाई करें। सो मेरी तरफ से ये 110% रिकमेंडेड है, उषा की स्किन पॉलिश ब्लीच क्रीम, जो कि सिर्फ 70 रुपीज़ में आपको कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन ये हर शॉप पर अवेलेबल नहीं है, मैंने ये भी चेक किया है इसको, लेकिन ये मिल जाती है। तो मैंने इसको यूज़ किया है ग्लूपाटोन के साथ, तो मुझे इसके थोड़े से रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक लगे हैं, क्योंकि मुझे इस तरह से ब्लीच करने के बाद जो भी स्किन पॉलिश होती है हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, आपको लगता है कि स्किन पे कुछ लगाने की ज़रूरत है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि हाथ बहुत स्मूथ हो गया, ना सॉफ्ट हो गया, तो मैं इसको नेक्स्ट जब यूज़ करूँगी तो मैं ग्लूपाटोन के साथ यूज़ करूँगी, सिर्फ हाथों पैरों के लिए, फेस के लिए हरगिज़।